अनुषा से एक्चुअली में सीख मैजिक मसाला। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर लेते प्रोसेस। सिद्दीकी फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ओके, आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। एंड यस, हम आप बनाने जा रहे हैं। रात का वक्त हो रहा है और मैंने ये सोचा है कि हम बनाएंगे आज पास्ता। और पास्ता की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग बहुत छोटा सा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या क्या होगा, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो है उषा यहाँ पर आई हुई हूँ मैं, और यहाँ पर हम पास्ता बनाएंगे, फिर अंदर लेके जाएंगे। सो सारा ये आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। So friends, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सेटअप जो है वो लगा हुआ है और अनुषा ने सारा काम किया। मैं आपको बता दूँ, ये रेसिपी भी अनुषा की ही है। सुबह से मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आऊंगी आपको बताने के लिए। अनुषा से एक्चुअली मैं सीख रही हूँ पास्ता बनाना, मुझे नहीं आता और इतना मुश्किल भी नहीं। फ्रेंड्स आता भी है मुझे, क्योंकि मैगी होती है जैसे कि वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या किया, यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर अनुषा ने कट कर लिए प्याज, जो कि बहुत बारीक कट किए, बहुत ही अच्छी है अनुषा। और यहाँ पर अनुषा ने काटे हैं ये टमाटर, इसके साथ ही यहाँ पर ये इतनी मिर्च की ज़रूरत हमें, और उसके साथ ही हमें यहाँ पे चाहिए मैगी मसाला, जो कि मैगी मसाला ने सिर्फ दिए हैं मैजिक मसाला। सो आप भी ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये चीज़ें, यहाँ पर पास्ता और मैक्रोनी को हमने यहाँ पर पहले से ही ना इसको यहाँ पर थोड़ा सा बॉयल कर लिया, क्योंकि बॉयल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ में मैं आपको बता दूँ कि जो ये पास्ता है, मैक्रोनी पास्ता है, इसमें ना हमने थोड़ा सा तेल डाला, उसके ऊपर से जो फूड कलर होता है रेड वाला वो डाला, उसमें ऐड किया ताकि उसमें थोड़ा सा रंग आ जाए, ताकि वो वैसा आटे टाइप सा ना लगे, इसलिए ठीक है। तो फिलहाल नमक भी डाला है, नमक भी डाला है। तो फिलहाल जो है अभी इतना प्रोसेस है, बाकी आगे देखिए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू कर लेते प्रोसेस। प्रोसेस इस तरह से है कि पहले हमें ऑयल डालना है इसमें। तो हम यहाँ पर ना जो है हमारे पास इसको ऑयल को हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। अपने हिसाब से आप रखना, जितना भी आपको रखना होगा, हम कम ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा ऑयल तो नुकसान देता है। मैं हम इसको पका कर थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर लेंगे ये वाला जीरा। अनियन है, जीरा ना अनुषा अच्छा नहीं लगता, जीरा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करना है, बाकी अगर आपको जीरा ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इतनी नीड नहीं होती। जीरे से ना लुक खराब होता है पास्ते का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गैस को थोड़ा सा, गैस की जो फ्लेम है, सॉरी जो गैस की फ्लेम है उसको हमने थोड़ा सा हाई कर लिया, ताकि जल्दी से हो जाए काम हमारा, ठीक है। तो अभी हम ये प्याज इसमें ऐड करने वाले हैं। बड़ा हरामी हो बेटा, कट कर दे, रुको जरा सबर करो। और यहाँ पर ना हमें पहले इसको जो पास्ते का पानी है ना, इसको सारे पानी को ना हमें सोक कर लेना है, ताकि इसमें से बिल्कुल पानी निकल जाए। ऑलरेडी यहाँ पे पास्ता जो है गल चुका है अच्छे से मैक्रोनी, तो इसको हमें इसको निकाल के रख लेना है इस तरीके। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा तेल भी हो गया और तेज हो गया अनुषा तेल, हम इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। आ जाए, मैं तो डर गई। तो ये काम हो रहा है फ्रेंड्स की प्याज डालने वाला गरम तेल में, तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। अगर हमारी जरा सी भी नजर आती तो दुर्घटना घट सकती है, यू नो व्हाट, कि आपके मुंह पे ऐसे छींटे आएंगे तेल के, या फिर हो सकता है कि आपका हाथ जल जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। ये हमारा इसमें ऐड हो चुका है सारी प्याज, हमें ब्राउन करना है तो इसको पका लेंगे। इसमें हम अपना और दूसरा कर लेते तो आपसे मिलते होगी। तो अभी हमें यहाँ पे करना है कि ये प्याज ना अभी थोड़ी सी ना मिक्स हो, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए क्या करना होता है उसको जल्दी से इसको ब्राउन करने के लिए एक ट्रिक है जो कि मैंने सीखी थी अम्मी से। तो हल्का सा ना इसमें नमक डाल दें ताकि जल्दी से ये हो जाए, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ऑलरेडी पास्ता में नमक डाला हुआ है। आपके लिए भी ना ये ट्रिक है ये, अगर आपको वैसा करना हो ना कर सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जल्दी पक जाती है, फिर ब्राउन होने में टाइम नहीं लगता। Few moments later. So friends, हो चुकी है हमारी जो अनियन थी ये ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें जो दूसरे वाले थे ना ये टमाटो और चिली, तो हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। पहले ये ऐड कर लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दी फ्रेंड्स को, अब अच्छे से ना मिक्स कर देना, थोड़ा सा पकाना है कम कम, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना होता है। जो मिक्स जो जितनी भी वेजीज होती है जितना कम पका हो गया उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि उसका स्वाद ही कम पकने में होता है। अगर ज़्यादा पक जाती है तो जितने भी इसके फाइबर या मिर्च जो भी चीज़ होती है
हेल्दी सब निकल जाती है। वैसे क्या क्या होती है बता दे रहे मुझे कमेंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके चीज आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी थोड़ा सा तीखा बनाना है, यू नो व्हाट, बहुत ज्यादा तीखा, सो आप यहाँ पर ये हल्दी इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, हल्दी और हल्की सी जो मिर्च पाउडर है वो भी यूज कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे ज्यादा मत खाया करना मसाला, ज्यादा तीखा बहुत हो जाता है। ये अनुषा की डिमांड है, मैं तो इसकी वजह से डालने में ना मैं खुद ने ये सब खाती हूँ उतना। और यहाँ पर ऐड कर देंगे जरा सी हल्की सी, बस एक थोड़ी सी और। मेरे चल गया आज। तो यहाँ पर हल्की सी ऐड कर देनी है हमें इस तरीके से। असल में गलत रखी हुई है इस तरीके से, खुद नहीं करा काम। जब आप बना रहे हो तो आप खुद ही करोगे, मैं करूँगी बाकर। तो ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से हमारा। और इसमें फिर हम क्या ऐड करने वाले हैं, ये हमारा मैजिक मसाला, और इसके साथ में क्या, इसके साथ में थोड़ा सा डालना इसको फिर लास्ट तो यहाँ पे हमारा एक तरह से रेडी हो चुका है ये। और फ्रेंड्स मेरा ना हाथ चल गया, कुछ नहीं, बहुत तेज चल गया, देखना मैं मुझसे ना ये होना ही होता है, मेरे से होता ही है सब चीज़ें, आपसे भी होती होंगी पक्का, क्योंकि कहीं भी नहीं बच सकता ना खाने पकाने के मामले में कि हाथ पैर ना जले। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, फिलहाल ये है मैगी मसाला यानी कि मैजिक मसाला, इसको हमने थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। ये बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, इसमें से ना बहुत ही प्यारी सी ना सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आ रही है। सो बस अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ये, क्योंकि अब ये हो ही चुका है ऑलमोस्ट, ज़्यादा जल जाएगा अगर मैं ज़्यादा देर तक से छोड़ूंगी ना तो भी जल जाएगा फिर पूरा। दिखाओ यार अनुषा, मैं मुझे पिछली इंस्ट्रक्शन दे रही, इनसे कोई कहे कि यार मुझे आता है, पता है मुझको बनाने बेटा, मतलब कि ऐसा होता है कि आपके छोटे आपको सिखाते हैं, कोई बात नहीं छोटे सिखाते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े तो बड़े सही होंगे, छोटे भी सही होते हैं कभी कभी, इसलिए उनकी बात भी माननी चाहिए, सुनना चाहिए उनको। तो फिलहाल यहाँ पे इस तरह से हो चुका है, दिखाओ अनुषा। क्या कर रहे हैं हमें कि इसको थोड़ा सा ना भी हम इसको पका लेंगे ताकि थोड़ा गर्म सा हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसमें पास्ता ऐड कर लेंगे, और फिर हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पर, ये हमारा पानी जो है ना इसमें थोड़ा सा ना उबाल आने लग गया है, तो यानी कि अब ये है कि अब इसको ज्यादा देर हमें छोड़ना ठीक, तो अब इसको ना अब फिलहाल हम इसमें ऐड कर देंगे ये पास्ता, तो फटाफट से इस पास्ते को हम ऐड कर देना है आराम से यहाँ पर। अब उषा को ना फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, देखो बर्तन कितना सा है और इसका दिमाग भी कितना चलता है, इतना ज्यादा पास्ता, सुनो हाथ होगी मुझे दिख रही है ना ऊपर ऊपर रखी हुई, वो उठा लो अब, छोड़ अब क्या हटा, अरे नहीं वही सही रहेगी, इतनी सी लगेगी उसके अंदर, जरूरत नहीं है, देखो तुमने क्या करा है, ये सही है ऐसे रहता है, इसमें बनता है मेरा पास्ता सिर्फ ज्यादा ज्यादा, बताइए पास्ता इतना फूल जाता है ये है, और इतना छोटा बर्तन, फ्रेंड्स आप भी बताइए उसको है ना इसका पागलपन दिमाग, इसको अच्छे से मिक्स कर देना ठीक है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें ये जो बचा हुआ था ना हमारा मैजिक मसाला यानी कि मैगी मसाला उसको ऐड कर देना, जब भी एक मिनट हो गए पता नहीं क्या कर दिया ड्रामा इसने, ये सीखा ही है ये, मैं आपको बताती हूँ ये जो है ना ड्रामा इसकी है ये, इसमें से इसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले अपने और अपने स्टाइल में बनाया, यू नो व्हाट, पास्ता विद अनुषा स्टाइल, इसने इसमें फूड कलर को इतना प्रायोरिटी दी है कि हर जगह फूड कलर, हर जगह फूड कलर ऐसा होता है। फ्रेंड्स आप कमेंट में करना कि अच्छा लग रहा नहीं, वैसे देखने में अच्छे लगने की बात अलग होती है, लेकिन और शब्द तो मेरे मुंह से थोड़ा दूर रख, पूरा मेरे मुंह के अंदर लेके घुसी पड़ी है फोन को, ऐसा कौन करता है भाई। तो यहाँ पे अब क्या करना है पता है, इसको हमने अच्छे से मिक्स तो कर ही दिया है, फिलहाल अब इसको थोड़ा सा ना 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट हम इसको ढक के पकाएंगे स्लो करके, गैस की फ्लेम स्लो करके इसको पकाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर में देखते क्या हाल होगा पास्ता का। अब हमने इसकी जो है ना क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि आज हमने वोट किया था, ये रहा मेरा वोट का निशान, सो ये जैसे कि हो गया है कि ना वोटर की सॉरी कैंडिडेट की किस्मत बंद हो गई है, वोटिंग का जो बॉक्स होता है ईवीएम मशीन होती है वो कैद हो गई इसमें, तो यहाँ पर हमने इसको कैद कर दिया है थोड़ी देर के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो
फ्रेंड्स रेडी हो चुका है पास्ता। अभी लेके चलते हैं इसको अंदर। अंदर कर रहे हैं कुछ लोग हमारा वेट कि कब आएगा पास्ता, कब आएगा पास्ता। सो हियर पास्ता इज रेडी एंड लेट्स गो। गाइस पास्ता इज रेडी। मेड बाय मी। फ्रेंड्स को बता मेरे तो पहले फ्रेंड्स देखिए मैं लेकर आ चुकी यहाँ पर। पहले इन पे फोकस करिए, ये टेस्ट भी बताएं कैसा है। बताओ दर से पूछो, बताओ कैसा है, क्योंकि मेहमान तो आप है, हम तो होस्ट है, ये गेस्ट है हमारे। बताओ तो इनका इनका रिएक्शन लो कैसा है। अरे हमने इतनी मेहनत से बनाया, कुछ तो तारीफों में कह दो, कहो आ गया आ गया। सच में बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट। ऐसा लग रहा है सब बाहर से तो लाती ना, ऐसे ही लग रहा है। सो फ्रेंड्स क्रेडिट गोज टू अरुषा कैमरा पर्सन। और अरुषा के कुछ तड़के थे अपने खुद के ही, पास्ता तो नॉर्मल था जैसे बनता है मैगी वगैरह पास्ता, बट अरुषा के थोड़े से अपने तड़के थे उसमें, जैसे कि वो फूड कलर ऐड करना और दो तीन चीज़ें और थी, तो अरुषा ने अपने पास से किया था। बाकी फिलहाल अब मैं एक बार खा लेती हूँ कैसा है और उसके बाद देखते हैं। पीछे कैमरा मैन भी और बहुत अच्छा है, इसमें कोई ये बात नहीं है, BTS वाला कोई सीन नहीं है, वाकई में बहुत अच्छा बना है, बहुत अमेजिंग। और एज यूजुअल थैंक यू अरुषा, पास्ता खिला अरुषा ने। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ इसको फिनिश और साथ में इस व्लॉग को भी पे फिनिश कर लेते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सो आई होप कि आपको पास्ता अच्छा लगा होगा, हमारी पागलपंतियाँ अच्छी लगी होंगी। और जो भी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा मेरे व्लॉग को और कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सिद्दीकी फैमिली व्लॉग को इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए और खूब सारा प्यार मेरे मुझे प्यार करने वालों के लिए। बाय बाय, लव यू।